नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक आलू बैंगन की सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि हमारे यहाँ यूपी और बिहार में पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है। नॉर्मली हम बैंगन और आलू की सब्जी कच्चे आलू से बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये उबले हुए आलू से बनाई जाती है। ये भी खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं उबले हुए आलू और बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 उबले हुए आलू लिए, जो करीब 400 ग्राम है। मैंने 250 ग्राम बैंगन लिए हैं, 2 टमाटर लिया है, 1 हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी करीब 1 चम्मच और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। सबसे पहले हमें उबले हुए आलूओं को हाथ की मदद से फोड़ देना है। हमें इसे चाकू से कट नहीं करना है, क्योंकि इसके हमें छोटे बड़े दोनों तरह के टुकड़े चाहिए। और हमें इस तरह से जब हम हाथ से फोड़ते हैं आलूओं को, तो वो बैंगन में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। क्योंकि आलू को मैंने अच्छी तरह से फोड़ लिया है। एक कढ़ाई मैंने पहले ही रख दी थी, उसमें मैंने करीब 2 चम्मच सरसों के तेल डाले थे। अब हम उसमें आलू को थोड़ी देर भून लेंगे। जब हम सब्जी में आलू को भून के डालते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो खाने में बहुत टेस्टी है, इसलिए आलू को भूनना जरूरी है। ये देखिए, आलू को मैंने करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा था। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में करीब मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है। ये सब्जी आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, क्योंकि सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और सरसों के तेल को हमें थोड़ा ज़्यादा देर गर्म करना चाहिए, जिससे उसकी एक महक जो होती है वो निकल जाती है। देखिए, तेल हो चुका है। अब मैंने इसमें हींग डाला है और अजवाइन। इसको हमें 4 से 5 सेकंड के लिए भून लेना है। अब हम इसमें खड़ा जीरा डालेंगे और इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। ये मैंने एक प्याज लिया, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैं पहले बताना भूल गई थी, इसमें प्याज डालना भी जरूरी है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। जब तक हम प्याज भूनते हैं, तब तक हम बैंगन को काट लेते हैं। बैंगन को काटते समय उसको तुरंत पानी में डाल दीजिएगा, नहीं तो बैंगन काला हो जाता है। इनके जब मैं सब्जी बनाती हूँ, तो उधर प्याज मेरी भी और इधर मैं बैंगन को काट के पानी में रख देती हूँ। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने हल्दी डाला है, वो मैं पहले आपको बताई थी। जब हम तेल में हल्दी को भूनते हैं, तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको भूनेंगे। हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। करीब 2 से 2.5 मिनट लग जाता है। गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें लो रखना है, जिससे मसाले जलने ना पाए। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम बैंगन को पानी से निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। देखिए, बैंगन बिल्कुल काला नहीं हुआ है। अब हम बैंगन को पहले मसाले में डालेंगे। अभी यहाँ हमें कुछ और नहीं डालना है। और बैंगन और मसालों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। इस तरह से मिक्स करना, जिससे मसाले अच्छी तरह से बैंगन में लग जाएं। हमारे यहाँ आलू बैंगन की सब्जी लुटपुट बनती है। लुटपुट का मतलब होता है कि ना वो सूखी होती है, ना वो ज़्यादा ग्रेवी वाली होती है। तो इसको हमारे यहाँ लुटपुट आलू बैंगन की सब्जी बोलते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालेंगे। अभी मैंने इसमें करीब 1 कटोरी पानी डाला है। और यहाँ करीब मैंने 2 कटोरी पानी डाला है।
आपको इसको जिस तरह से ग्रेवी रखनी होगी उस हिसाब से आप पानी डालिएगा, लेकिन ये सब्जी बहुत ज्यादा ग्रेवी की नहीं बनती है। अब हम इसमें नमक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे हमें ढक के पकाना है जिससे बैगन अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, मैंने 5 मिनट करीब लो और मीडियम के बीच में गैस का फ्लेम रखा था। बैगन मेरे लगभग पक चुके हैं, अब हम उसमें भुने हुए आलू डाल देंगे और आलू को भी हमें सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी से खुशबू किचन में बहुत अच्छी आ रही है, वैसे भी भुने हुए आलू की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है। अब हम इसी के साथ इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है क्योंकि ये सब्जी में दिखते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए टमाटर को बहुत महीन नहीं काटना है या इसको हमें कद्दूकस या पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ में ऐसे मसल करके डाल देंगे। पहले के टाइम पे कसूरी मेथी तो नहीं होती थी, लेकिन अब कसूरी मेथी मिल जाती है आसानी से, इसलिए डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। देखिए मैंने इसको करीब 7 से 8 मिनट तक पका लिया है और लगभग सब्जी बनके तैयार है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रख के बनाइएगा। आलू भी पका हुआ है, बैंगन भी पका हुआ है। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है और पराठों के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छी तरह से चला देना है। सब्जी लगभग बनके तैयार हो चुकी है। देखिए टमाटर भी बहुत ज्यादा नहीं गले हुए हैं और ये देखिए सब्जी बनके तैयार है। एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।